जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वाईफाई अगर में। और हमारा जो आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है मौसम मापन, उसमें प्रयुक्त होने वाली इकाइयाँ। तो मौसम का मापन होता है, उसमें जो इकाइयाँ प्रयुक्त की जाती हैं उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। अब देख रहे हैं कि हमारे व्हाइट बोर्ड पर सामने कुछ मौसम मापन इकाइयाँ लिखी हुई है और उन्हें किस से किन इकाइयों से प्रदर्शित करते हैं वो लिखा हुआ है। तो एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ। और उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि ये जो है, जो आज का टॉपिक है, ये यूपी के एग्जाम में आपके एग्रोन में मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपके दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, वरना एक तो 100% आपको वहीं पर रखा मिलेगा ही मिलेगा, दो भी आ जाते हैं, तीन भी आ जाते हैं। तो ध्यान से पढ़िए फ्रेंड्स, और बिना स्किप करे हमारी वीडियो को आखिर तक देखिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप हमारे चैनल के साथ अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहीं पे आपका एग्रोनॉमी, यहीं पे आपका डेयरी साइंस है, यहीं पे आपका हॉर्टिकल्चर यूपी कैडेट के लिए क्लियर कराया जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम को गवाए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। नंबर वन पे आता है फ्रेंड्स आपका तापमान। तापमान को मौसम विज्ञान में हम 3 डिग्री से 3 तरीके से प्रदर्शित करते हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट एंड डिग्री केल्विन। नंबर दो होता है अपेक्षित आर्द्रता। अपेक्षित आर्द्रता कमरे की अपेक्षित आर्द्रता, किसी एरिया की अपेक्षित आर्द्रता, उसे हम किस तरीके से प्रतिशत, कितने प्रतिशत होती है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में आता है वायु की गति। वायु की गति किससे प्रतिशत करते हैं, किलोमीटर प्रति हवर माइनस मन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, किलोमीटर प्रति हवर माइनस मन। उसके बाद आती है वायु की दिशा। दिशा से क्या ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वो कितने डिग्री में घूमते हैं, तो इस तरीके से डिग्री 0 to 360 डिग्री, ये डायरेक्शन डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है वर्षा एवं वाष्पन। वर्षा को और वाष्पन को हम किस तरीके से mm डे माइनस वन, मिलीमीटर डे माइनस वन। फिर उसके बाद आता है वाष्प दाब mm ओ एचजी। उसके बाद सूर्य चमकने की अवधि, ये जब मैं अपने टाइम पे था, जब मैंने यूपी कैडेट का एग्जाम दिया था, तो ये क्वेश्चन आपका जब भी था सूर्य चमकने की अवधि हवर्स में। और आपका वायुमंडल दाब, ये भी आपका फिजिक्स में ज्यादा तरह आ जाता है, मिली बार एमबी एमजी ऑफ एमजी एंड पास्कल, तीन तरीके से इसको दिखाते हैं। मेघ आच्छादन ओक्टा 0 to 8। नेक्स्ट आता है ब्लास्ट सौर विकिरण। सौर विकिरण आपका कैलोरी सेंटीमीटर स्क्वायर मिनट माइनस वन। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, वो आपके यूपी कैटेट एग्जाम में आने वाले बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरी आपसे एक विनती है कि आप सही से इनको याद करके जाएं जब भी अपना एग्जाम देना चाहें। और हमारी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और बेल का नोटिफिकेशन पर ऑल को क्लिक कीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो हमारे आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। जय हिंद।